दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके, जब आपके और जब मैं बातें करता हूं, आपको समझाता हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं, और जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। अगर प्रश्न नहीं है, कोई सुझाव हो वही भी आप वहां पर टाइप करिए, और अगर सुझाव नहीं हो तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप थोड़ी सी तारीफ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आज जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो ले रहा हूं, इन्होंने एक्चुअली प्रश्न नहीं है, मेरी थोड़ी सी तारीफ की है। ये हैं जगवीर सिंह जी, इन्होंने बोला नमस्कार सर, लगभग मैंने आपके सभी वीडियो देखे हैं, अच्छा समझाते हैं आप, बड़ा फैन हूं आपका, ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आपके परिवार को खुश रखे। एक्चुअली बहुत आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, और जगवीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है जो भी इस चैनल को देखते हैं लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और यूं ही आपका साथ बना रहेगा तो हम बहुत सारे परिवर्तन लाएंगे, बहुत सारी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ मदद कर सकें। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है रोहित चौधरी जी, इन्होंने बोला है सर क्या फीड में मिनरल मिक्सचर और मीठा सोडा साथ में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐड करते हैं उसमें मिनरल मिक्सचर भी ऐड करते हैं और उसमें मीठा सोडा भी ऐड करते हैं। जनरली जो मिनरल मिक्सचर है वो हम फीड फार्मुलेशन में, अगर हम 100 किलो का फार्मूला ले रहे हैं तो उसमें 1% या 2% डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप के जो पशु हैं आपके पास, तो उसमें हम ऐड करते हैं मिनरल मिक्सचर। मतलब अगर आप 100 किलो ले रहे हैं तो उसमें 1 या 1 से लेकर 2 किलो तक आप वो ऐड कर सकते हैं। और जो मीठा सोडा है जो बफर का काम करता है, जो वो पशु को थोड़ा सा हेल्दी रखता है, उसको आप ले सकते हैं उसमें 800 ग्राम तक या 750 ग्राम, क्योंकि 0.75% ऑफ ड्राई मैटर इनटेक, तो उसमें 750 ग्राम आप उसमें वो भी ले सकते हैं, मीठा सोडा बिल्कुल आप दे सकते हैं। उसके बाद है अरविंद यादव जी, इन्होंने बोला है सर ड्राई एनिमल को मिनरल मिक्सचर कितनी मात्रा में देना चाहिए? ड्राई एनिमल मतलब वो जनने वाला है, मतलब जनने के 2 महीने पहले से आप ये जानना चाहते हैं कि उसको हम क्या दें, तो डेफिनेटली उसको मिनरल्स की आवश्यकता होती है, और इस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि उसका बच्चा बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा होता है उसके पेट के अंदर, और आने वाले टाइम में उसको मिल्क भी देना है तो उसको मिनरल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आप इस टाइम पे, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये नहीं पूछा कि मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, नहीं आपने ये पूछा है कि मिनरल मिक्सचर कितना देना चाहिए, क्योंकि आपको ये तो पता है कि मिनरल मिक्सचर उसको देना ही देना है। तो आप इस टाइम पे उसको 50 से 100 ग्राम आप मिनरल मिक्सचर डेली पर डे उसको देना है आपको, और आप अगर ज्यादा 15 लीटर से ज्यादा दूध देने वाला है तो 100 ग्राम आप दीजिए, अगर उससे कम देने वाला है तो आप उसको 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर पर डे आप उसको दीजिए। आपको इसके बहुत सारे लाभ होने वाले हैं, पशु चरने के बाद ज्यादा दूध देगा, समय पे हीट पे आएगा, वो रिपीट नहीं होगा, तो आप मिनरल मिक्सचर को यूज करिए 50 से 100 ग्राम डिपेंडिंग अपॉन मिल्क यील्ड। उसके बाद हैं आर्यन गुर्जर साहब, इनके एक्चुअली इनकी भी मुझसे बहुत शिकायत रहती है कि सर आप जवाब नहीं देते। तो गुर्जर साहब आपका ये प्रश्न मैंने ले लिया है, और मुझे उम्मीद है आप थोड़ा सा इसके बाद आपकी नाराजगी कम होगी। तो इन्होंने पूछा है डॉक्टर साहब नमस्कार, भुनी सोयाबीन को ग्याबिन को गर्मियों में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं आप, ग्याबिन जब आपका पशु हो गया है इस टाइम उसको बाईपास फैट बाईपास प्रोटीन वैल्यू वाला फीड की आवश्यकता होती है, और सोयाबीन भुना हुआ सोयाबीन, रोस्टेड सोयाबीन, थोड़ा सा मतलब उसको सेका हुआ सोयाबीन अगर आप देते हैं तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, गर्मी से कोई फर्क नहीं है, न्यूट्रिएंट है, उसको हेल्प भी करेगा, तो आप दीजिए क्योंकि इसमें एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। जो मैंने बताया है कितना देना है, 200 ग्राम से स्टार्ट करिए, 500 ग्राम तक जाइए, और अगर ज्यादा दूध देने वाला पशु है तो उसको आप 1 किलो सोयाबीन तक पर डे दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर मान लो उसकी 15 लीटर से नीचे है तो आप उसको आधा किलो भी देंगे तो भी चल जाएगा। तो आप बिल्कुल यूज करिए, आप गुर्जर साहब बिल्कुल आप बेफिक्र होके उसको उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है प्रियांशी जी, इन्होंने पूछा है सर मिल्क फीवर क्या होता है, ये क्यों होता है, और बचाव और ट्रीटमेंट बताएं।
प्रियांशी जी बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। जो पशु जो ज्यादा दूध देते हैं वो उनमें ये समस्या ज्यादा होती है, मतलब जो एक्जोटिक ब्रीड है, जो बाहर की जो ब्रीड है, जो क्रॉस है, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और ये क्या होता है कि जब वो पशु जनता है तो उसके वो 24 घंटे के अंदर देखते हैं ना, वो बैठ जाता है 72 घंटे तक। एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरा होता है कि उस पशु में कैल्शियम की कमी हो जाए और वो बैठ जाए, क्योंकि हाई ईल्डर्स में क्या होता है कि उसको जनरली वो उसकी एक टेंडेंसी होती है कि जो कुछ शरीर में है वो सारा दूध में निकाल दूं। तो उस चक्कर में अगर आप पहले से उसकी फीडिंग प्रॉपरली नहीं कराते तो उसके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, और कैल्शियम का लेवल वहां कम हो गया और आने वाले टाइम में जब वो मिल्क देने लगता है, जब स्टार्ट होता है, तो वो वहीं पे बैठ जाता है। वो मिल्क फीवर में उसको एक्चुअली फीवर नहीं होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन वो बैठ जाता है एनिमल और फिर बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसके बाद फिर डॉक्टर आके उसको वही कैल्शियम और उसको विटामिन्स के वो जब उसको देता है ब्लड में, तो वो तुरंत खड़ा भी हो जाता है हम देखते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्चुअली अगर लंबे समय तक ये खिंचता है, ज्यादा अगर उसमें कमी हो जाती है कैल्शियम की, तो वो आगे आने वाले उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो मिल्क फीवर मतलब कैल्शियम की कमी, जिसको हम हाइपोकैल्शियमिया भी बोलते हैं, जिसमें ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। अब मैं बात करता हूं, आपने पूछा बचाव, तो बचाव आप ये करें, हमेशा मिनरल मिक्सचर यूज करें जिसमें कैल्शियम होती है। तो अगर आप उसमें मिनरल मिक्सचर हमेशा यूज करेंगे उस एनिमल के लिए, तो ये चांसेस रहेंगे कि कैल्शियम की कमी उसमें ना हो। आप दूसरे तरीके मैंने अच्छा, फिर एक गलती और लोग करते हैं कि जनने के पहले से उसको कैल्शियम बहुत बढ़ा देते हैं, तो आप कैल्शियम का बहुत ज्यादा उपयोग उस टाइम में ना करें। एटलीस्ट 15-20 दिन पहले से आप उसको कैल्शियम का, जो लिक्विड कैल्शियम उसकी बात कर रहा हूं, आप मिनरल मिक्सचर दें कोई बात नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा जो लिक्विड कैल्शियम दे रहे हैं उसको बंद कर दें। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बंद करेंगे तो उसकी हड्डियों से वो मोबिलाइज करेगा, उसको उपयोग करना के लिए उसकी बॉडी तैयार हो जाएगी, और जब जनने के बाद उसको कैल्शियम की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी तो वो अपनी हड्डियों से मोबिलाइज कर देगा, जिसके कारण उसको मिल्क फीवर नहीं होगा। आप इसका उपयोग करिए, आपको बहुत फायदा होगा। ट्रीटमेंट की बात अगर हो गया है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उसको फिर से वही इंजेक्शन और ड्रिप लगानी पड़ेगी, तो वो काम के लिए आप डॉक्टर, पशु चिकित्सक या वहां पे नजदीकी जो भी डॉक्टर होंगे आप उनको बुलाइए और तत्काल उसका ट्रीटमेंट कराइए। उसके बाद हैं, ये हैं नागार्जुना पाटिल, इन्होंने बोला सर आफ्टर मैस्टाइटिस हाउ टू गेट ओल्ड मिल्क ईल्ड। मैस्टाइटिस मतलब थनेला रोग हो गया है, और थनेला का ट्रीटमेंट कराने के लिए इन्होंने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लगाए होंगे उसके थनों में, उसको इंट्रामस्कुलर। तो जब आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देते हैं किसी भी रूट से देते हैं, तो उसका जो पेट है, उसके जो रूमन है, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवी है, उनको भी बहुत भयंकर नुकसान होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो उसका जो फीड इनटेक है, जो आहार खाने कम कर देता है, और डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो जब मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट जब भी होता है तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, उसका मिल्क एकदम कम हो जाता है। तो आपको अब करना क्या है, ऐसे में आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए कि उसके रूमन को किस तरीके से हम पुरानी पोजीशन में ले आए, मतलब जो उनके जो सूक्ष्मजीवी, जो बैक्टीरिया है जो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ईस्ट का उपयोग करें, और बहुत ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेट है बहुत ज्यादा उसका उपयोग ना करके आप ईस्ट का उपयोग करें, और कॉन्सेंट्रेट अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें बफर का यूज करें, मतलब मीठा सोडा। तो ईस्ट मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, ये मार्केट में बहुत आता है, आप किसी से भी बोलेंगे ईस्ट, ये गोलियों के फॉर्म में भी आता है, ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, तो आप उसको ईस्ट दें ताकि रूमन में जो माइक्रोब्स हैं वो फिर से उस अपने काम पर लौट सके, और फिर से वो उनकी तादाद या उनकी संख्या बढ़ सके, और वो उसके डाइजेशन में हेल्प करें, ताकि आपको उसका फीड कंजप्शन बढ़े और आपको मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा मिले। तो मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। आप करेंगे, फिर भी तकलीफ आती है तो फिर आप कमेंट करें, फिर मैं बताऊंगा आपको, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे किसी भी वीडियो में। उसके बाद ये हैं नीलेश यादव जी, इन्होंने बोला वंडरफुल सर, नाउ प्लीज एक्सप्लेन बेस्ट एनर्जी सोर्स। इन्होंने कहा कि सर एनर्जी का कोई अच्छा सोर्स बताएं।
तो एनर्जी कैसे मिलेगी, मैंने बताया है एनर्जी का बहुत शानदार सोर्स है। तो एनर्जी में हम लेते हैं ग्रेन्स, अनाज। अनाज में सबसे बेस्ट है पशु के लिए वो है मक्का, क्योंकि इसकी टीडीएन वैल्यू जो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं उसमें और बहुत इजीली डाइजेस्टिबल होता है, तो उसके लिए मक्का। और उसके बाद है बाजरा और उसके बाद है ज्वार। तो ये एक्चुअली एनर्जी का बहुत शानदार सोर्स है। और अगर आप फीड बनाते हैं तो उसके लिए मैंने बताया था गुड़ की राव, सीरा या मोलसेस, जो मैंने एक अलग से हाथ में ऐसे इस तरीके से मैंने दिखाया हुआ है का, जो देखते होंगे डार्क कलर का जिसको हम मोलसेस बोलते हैं, अभी उसका वो रखा हुआ मेरे पास लेकिन वीडियो बन रहा है इसलिए मैं उठा नहीं सकता, तो उसको आप देखिए वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। ये एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली सारे पोषण को उपयोग करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा मिलेगी या तो अनाजों से मिलेगी या आप उसमें हाँ गेहूं का चोकर भी यूज कर सकते हैं और उसको जो बीट ब्रांड बोलते हैं वो भी एक अच्छा सोर्स है। तो मक्का, बाजरा, ज्वार या गेहूं का चोकर या आप मोलसेस भी उसमें उपयोग करें तो आपको एनर्जी का अच्छा खासा वो उसमें लाभ मिलेगा। और दोस्तों उसके बाद है ये प्रकाश शाहने जी, इन्होंने बोला सर मैंने बहुत वीडियो देखी हैं लेकिन सही इन्फॉर्मेशन आपके चैनल पर ही मिलती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप किसानों के लिए, प्लीज ये करते रहें, मैं महाराष्ट्र से हूँ। प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपको कुछ फायदा होता है मेरी इन्फॉर्मेशन से, तो डेफिनेटली आप यूं ही हमारे साथ बने रहें, ढेर सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और मेरा वादा है आपसे हम जो डेयरी के धंधे को लाभ का धंधा बनाएंगे, और क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि आपके खर्चे कैसे कम किए जाएं, आपका जो प्रोडक्शन है जो फार्म का जो प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ाया जाए, तो दोस्तों यूं ही बने रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद।